जी बिल्कुल टीम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर जो इस मैच से उभरे हैं अगर कोई कहेगा हैं तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं रविंद्र जडेजा वो प्लेयर हैं जो जिन्होंने इस मैच में टीम इंडिया को गेंद दिलाया मोमेंटम दिलाया हर फील्ड में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग पहले दिन कैच पकड़ा विकेट लिया फिर दूसरे दिन रन बनाए आजक अर्धशतक फिफ्टी सेवन रन बनाए उन्होंने फिर विकेट भी लिया आज भी रन बनाए फिर विकेट विकेट आज दो, विकेट दो भी लिए तो जिस तरीके का प्रदर्शन जडेजा कर रहे हैं वो जिस तरीके का ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं टीम इंडिया उनकी वजह से बहुत हद तक इस टेस्ट मैच में आगे बढ़ पाई है अच्छा वि, विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल के गए उनकी जगह जडेजा आए हैं बहुत, की आए हैं और बहुत प्रदर्शन दिखा तो आप कैसे देखते हैं टीम कॉम्बिनेशन में जडेजा की जगह भले विराट की जगह जडेजा आए हो लेकिन टीम कॉम्बिनेशन में एक, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला रहे थे तो वो जगह जडेजा की बनी और जडेजा ने खैर जस्टिफाई किया अपना स्पॉट जडेजाए मैच बदल गया बिल्कुल देखिए एक जो हम पिछले मैच में पिछले टेस्ट की दूसरी पारी में हमने मिस किया कि कोई बैट्समैन साथ में खड़ा भी नहीं हुआ किसी के मतलब अगर एक खेल एक बैट्समैन टिकने की सोच रहा था तो दूसरा कोई साथ में खड़ा भी नहीं होने को तैयार था इस मैच में रहाणेर कल रन बना रहे थे तो जडेजा खड़े हुए आज जब एक तरफ से बॉलिंग एंड से प्रेशर बना रहा है दूसरा बॉलर या अश्विन या कोई पेसर बना रहा है तो जडेजा भी दूसरे एंड से उतना ही प्रे, प्रेशर बना रहे हैं आज की गेंदबाजी की जडेजा की बात करें तो आज के पिच में जितना मैच खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है उतना बैट्समैन को थोड़ी थोड़ी मदद ज्यादा मिल रही है बॉलर्स की मदद पिच से कम हो, हो, रही हो रही है पेसर्स की भी स्पिनर्स की भी उसके बाद भी सारे भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा किया लेकिन उसमें खासतौर पर जडेजा की बात करनी होगी क्योंकि जडेजा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रविंद्र जटेजा अपनी गेम से अपनी टीम का, दे का विकेट देखिए जिस तरीके से टिम पेन को उन्होंने चलता, चलता किया <laughs> आउट किया तो वो देखकर समझ में आता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं वो इतने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि वो नेगेटिव सोच ही नहीं रहे वो सिर्फ अटैक के लिए जा रहे हैं उनका गेम प्लान तैयार है उनके दिमाग में उनकी रणनीति तैयार है और वो सिर्फ उसको बहरहाल अजिंक की, की मैं अगर बात करूँ तो रहने की बात करें हाँ। मैं इससे पहले जडेजा में एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स है आज के डेट में टेस्ट मैच में अगर आप स्टैट्स में देखिये तो 2016 से बेस्ट ऑलराउंडर अगर स्टैट्स के हिसाब से देखें तो अजिंक्य राणे है ना बेन स्टोक्स है ना बांग्लादेश के शाकिब अल हसन है सॉरी माफ करिए रविंद्र जडेजा बैटिंग एवरेज 46.29 बॉलिंग एवरेज 24.97 तो ये दोनों जो इनके एवरेज हैं ये इससे पता चलता है कि वो कितने कंसिस्टेंट है ऐसा नहीं है कि वो एक मैच के लिए आए मेलबर्न टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं वो आउट इस दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ बल्ले से नहीं आ, से, गें, गें से भी कर रहे हैं और इसके अलावा फील्डिंग फील्डिंग में जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं ये तो सबको पता ही है हम देख ही हैं अच्छा ये हुई जडेजा की बात जडेजा से हम आगे बढ़े अजिंक्य रहाणे की बात करें तो अजिंक्य रहाणे भी आ, आ, अंकन आप एंकर वर्ड का एक इस्तेमाल करते हैं क्या वो टीम के एंकर साबित हो रहे हैं देखिए आज आज के दिन के मैं, खेल खत्म होने के बाद अजिंक्य राणे एक बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कहा है कि कैप्टनसी सिर्फ गट फीलिंग के ऊपर चलती है उनकी कप्तानी वो अपनी कप्तानी के बारे में बात कर रहे थे उन्हें जिस वक्त जो सही लगता है वो तब वो फैसले ले रहे हैं तो वो जिस तरीके से शुरुआत में भी पहली पारी के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से फील्डिंग फील्ड सेट कर रहे थे आज भी जो फील्ड सेट कर रहे थे एक कम बॉलर के साथ उमेश जब छोटे लोग उसके बाद भी वो बॉलिंग रोटेशन हो या फील्डर प्लेसमेंट हो वो बहुत परफेक्टली कर रहे थे इसके अलावा जो कल दिन भर वो मैदान पर थे लगभग जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की वो भी उसके बारे में तो हमने कल भी बात की आज भी हम बात कर ही रहे हैं लगातार तो वो एक आम वो नहीं था एक किसी वो एक क्लास बैट्समैन ही वैसा परफॉर्मेंस दे सकता है उनको भी काफ़ी खुशी है अपने इस प्रदर्शन से हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये उनका बेस्ट टेस्ट का प्रदर्शन नहीं है जो उन्होंने लॉर्ड्स में जो शतक था उनका वो उनका बेस्ट था इसको उन्होंने बेस्ट नहीं माना लेकिन हमें तो अजिंक्य राणे का ये शतक मुझे खासतौर पर ज़्यादा पसंद आया अंडर प्रेशर टीम इंडिया ट्रेल कर रही हो और आप उस कप्तानी का प्रेशर है टीम पीछे है आपको प्रेशर है सामने कोई रुक नहीं रहा है आप मिडिल ऑर्डर आ चुका है रविंद्र जडेजा के साथ आपने इतनी अच्छी पारी खेली काफी शानदार दो बातें मैं कहना चाहूंगी मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स uh, पर्सन के लिए बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम क्योंकि वो बेस्ट वाली फीलिंग अगर आ जाएगी तो शायद फिर बेस्ट निकले ना निकले हाँ आप वो कह सकती हैं लेकिन हाँ। ये जब कंपेरिजन करते हैं बैट्समैन हाँ। अपने शतक पर कंपेयर करते हैं कि पिछला वाला बेटर था ये ये वाला बेटर था तो राणे ने साफ कर दिया नहीं भाई साहब वो पिछला वाला ज्यादा बेटर था ये उतना अच्छा नहीं था राणे ने अपने आज जो वो रनआउट हुआ उस पर भी बात की उनका कहना है कि उनको लग रहा था कि वो अंदर है हालांकि वो नहीं हुआ अंपायर का फैसला वो नहीं था और उसके बाद भी वो जडेजा का मोरल बूस्ट करके गया बोले मैं आउट हो गया हूँ कोई बात नहीं तो आप आराम से खेलिए आप आराम से खेलिए खे खे कोई प्रेशर मत चीजिए अजिंकी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं रही है लेकिन आपको क्या लगता है कि जब रहाणे अंडर प्रेशर होते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते देखिए टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन है काफी हाँ। समय समय से से पिछले कुछ समय से वो फॉर्म में नहीं थे इंडियन सब कॉन्टिनें में उनका पिछला शतक था उससे पहले वो लगातार 22 पारी से उनकी कोई शतक नहीं थी लेकिन ऐसा नहीं है शतक से शतक नहीं था तो वो खराब खेल रहे थे अगर आप उनके स्कोर देखे तो वो अस्सी नब्बे सत्तर अस्सी नब्बे इस रेंज उनके काफी स्कोर हैं तो रहाने टेस्ट में अगर पिच आपको किसी बल्लेबाज को टेस्ट कर रही है तो उस टेस्ट में रहने हमेशा पास होते हैं अच्छा। तो पिच 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 की की भी बहुत बहुत अहम अहम भूमिका भूमिका रहती रहती है बिल्कुल, बिल्कुल। पिच की बहुत रहती है बिल्कुल चलिए और जैसा कि कि ने बोला कि अब हालात ऐसे हो गए कि बैट्समैन को मदद मिल रही है और पिच से बोलर्स को मदद नहीं मिल रही है हालांकि इस हाँ। टेस्ट मैच में इंडिया अभी भी दो रन का लीड अगर ऑस्ट्रेलिया के पास है हम बहुत आगे है इस टेस्ट मैच में ऐसा मेरा मानना है और कल अंतिम दिन होगा और कल मेलबर्न में तिरंगा जरूर लहराएगा मेलबर्न में जरूर लहराएगा और फिर मुझे लगता है कि वो तीसरे मैच का मोमेंटम भी शायद इंडिया के पास आ जाए और जैसा कि वेबर में बात भी कर रहे थे वन -वन वाला फिर मामला बिल्कुल बिल्कुल सीरीज कल वन वन होने से कोई नहीं रोक सकता ऐसा मेरा अनुमान है हाँ। कल बिल्कुल हमारी जीत पक्की है निश्चित है मतलब जो तीसरा मैच होगा मंगलवार को ही मंगल होगा <laughs>

अगले मैच में भी टीम को जीत कह रहे हैं धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं वन स्टेप कल का अपडेट आपको जाहिर सी बातें कल ही मिलेगा बहरहाल आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिस्सा बने बहुत शुक्रिया